और तिमाही नतीजों की सीजन में हमारे रडार पर है आज आइनोक्स लीजर। इस तिमाही कंपनी ने मिले जुले नतीजे पेश किए। कंपनी का मुनाफा हालांकि 17% घटा है, वहीं आय में 48% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं मार्जिन में भी अच्छा उछाल देखने को मिला है। नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के सीईओ आलोक टंडन। आलोक जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए हमें, और जी बिजनेस पर स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आप नतीजों के बारे में आपसे बात करेंगे, नतीजे आप अपने कैसे देखते हैं और फुटफॉल आपका कैसा रहा है और नए स्क्रीन एडिशन वगैरह कैसे रहे इस क्वार्टर में? देखिए, हम काफी एक्साइटेड हैं अपने रिजल्ट्स को लेके, चाहे Q4 FY19 के हों या पूरे साल के हों FY19 के। जो हमने माइलस्टोन्स अचीव किए हैं, चाहे हाईएस्ट हमारे फुटफॉल्स हुए हैं 6.25 करोड़ के पूरे FY19 में, हमारा हाईएस्ट ATP हुआ है, SPH जो एक पेट्रोन खाने पे खर्चता है वो ₹74 था, जो एक हमारा हाईएस्ट एवर है। काफी सारे हमने माइलस्टोन्स अचीव किए हैं, और अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं, जो हमारी एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू है वो हाईएस्ट एवर थी किसी भी फाइनेंशियल ईयर को लेके जहां आइनॉक्स का है, और ये 8th कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर है जहां पे हम एडवर्टाइजिंग में अच्छे रिजल्ट देते आए हैं और हर क्वार्टर बेहतर करते गए हैं प्रीवियस क्वार्टर से। हमने 85 ऑर्गेनिक स्क्रीन्स को लिए हैं, जो एक इंडस्ट्री का रिकॉर्ड है, और किसी भी चेन ने या किसी भी मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर ने 85 ऑर्गेनिक स्क्रीन्स एक साल में नहीं खोली। तो चाहे Q4 FY19 के रिजल्ट्स हों या पूरे के पूरे साल के हों, मैं कहना चाहता हूं कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि एक अच्छे रिजल्ट्स हैं। हम काफी एक्साइटेड हैं इसके लिए, और जो मेहनत गई है इसके पीछे, चाहे ATP हो, चाहे SPH हो, या जो 85 प्रॉपर्टीज हमने खोली हैं उसको अचीव करने के लिए, ये श्रेय हमारी पूरी टीम को है आइनॉक्स में कि उनकी मेहनत से हमने अच्छे रिजल्ट्स आए हैं जो हमने डिक्लेयर किए हैं। ठीक है, नतीजे अच्छे हैं आलोक सर, लेकिन एक जो आंकड़ा है आपके नतीजों में वो बिल्कुल अलग से दिख जाता है, क्योंकि मार्जिन के फ्रंट पे परफॉर्मेंस काफी जोरदार लग रही है। करीब 7% का जंप है और मार्जिन निकल गया आपका 20% के पार। ऐसे में सवाल है कि क्या आपको इस बात की कितनी उम्मीद है कि ये जो मार्जिन का फिगर आया है इसको मेंटेन कर पाएंगे, आगे बरकरार रख पाएंगे, इसकी उम्मीद कितनी आपको? देखिए, कि अच्छे रिजल्ट्स हम देते रहें, जबकि फ्यूचर कोई फोरकास्ट नहीं कर सकता, ना हम कोई क्रिस्टल बॉल गेजर हैं कि इसको हम प्रिडिक्ट करें, बट हाँ, मेहनत हमारी उतनी रहेगी जाए फुटफॉल्स लाने के लिए, अपनी ऑक्यूपेंसी बढ़ाने के लिए, अच्छे एड ग्रोथ देना चाहते हैं हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर, SPH हम अच्छा करना चाहते हैं, एक गेस्ट को टोटल एक्सपीरियंस जो है, चाहे लग्जरी का हो, चाहे उसमें हम अच्छी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व करें या सर्विस का हो, हम चाहते हैं कि गेस्ट को हम हमेशा खुश रखें, और जो 2 या 3 घंटे वो हमारे पास बैठ के जाते हैं वो खुश जाएं और दोबारा हमारे पास आए और हम उनको अच्छे एक्सपीरियंस देते रहे। ठीक है, शुक्रिया आलोक जी अब नतीजों पर आउटलुक हमें देने के लिए और नतीजों के बारे में डिटेल्स हमें जानकारी देने के लिए। लेकिन आलोक, लेजर का जो शेयर है आज कुछ खास एक्शन नहीं है, आधे परसेंट की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है ₹310 पर। हालांकि पिछले 6 महीने या फिर पिछला 1 साल कंपनी के लिए काफी शानदार है और चार्ट काफी अच्छे दिखते हैं। सचिन जी बताइए, आइनॉक्स लेजर इस लेवल पर आपको पैटर्न्स इसके कैसे दिख रहे हैं और क्या ये जो पुलबैक है इस शेयर में आगे कंटिन्यू रहने की संभावना कितनी है? देखिए, इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो काफी बेहतरीन है। इनफैक्ट अगर हम ब्रॉडर स्ट्रक्चर को देखें तो मुझे लग रहा है यहाँ पर 380 के टारगेट्स तो नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से वीकली चार्ट पे पैटर्न है। डेफिनेटली पिछले 7 हफ्तों में स्टॉक में एक अच्छा डिक्लाइन, स्टॉक में अच्छी डिक्लाइन देखी गई है, बट ये पर्टिकुलर डिक्लाइन में कहीं पर भी डिस्टॉर्शन नहीं हुआ है ओवरऑल ट्रेंड और ट्रेजेक्ट्री का। तो मुझे लग रहा है ये जो डिक्लाइन है वो यूटिलाइज करनी चाहिए कि स्टॉक अक्यूमुलेट करे, 380 तक के लेवल्स अगले कुछ महीनों में हासिल हो सकते हैं। मोमेंटम के लिहाज से 320-325 के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग एस्टैब्लिश हो जाती है तो वहां पर उस लेवल के ऊपर थोड़ा सा मोमेंटम या फिर एक्सेलरेशन मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है यहां पर डेफिनेटली एक अच्छा काउंटर है जहां पर बायस आपको पॉजिटिव रखना चाहिए। जब तक स्टॉक 265 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता तब तक आई थिंक इसकी ट्रेंड ट्रेजेक्ट्री पुरिश पे ही रह सकती है। ठीक है, तो मोमेंटम इसका स्टॉक का अच्छा है और थोड़ा सा पोजिशनल व्यू रखेंगे तो ये स्टॉक है ₹380 तक जाने की इसमें क्षमता है आइनॉक्स लीजर में। चलिए, ये शो को यहीं समेटेंगे, वक्त की थोड़ी कमी है। सचिन जी बहुत शुक्रिया आपका शेयरों पर रणनीति सुझाने के लिए और ट्रेडिंग के बेहतरीन मौके हमें बताने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद शुरू करेंगे फाइनल ट्रेड, आप कहीं जाएगा नहीं।